आज हम आपको दुनिया के बहुत ही खूबसूरत और अनोखे देश के बारे में बताने वाले हैं। ये कंट्री साउथ यूरोप महाद्वीप के बाल्कन देशों में से एक है। इस खूबसूरत से देश का नाम है क्रोएशिया। इसे रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया भी कहा जाता है। इस कंट्री की राजधानी जग्रेब है और क्रोएशिया की सबसे बड़ी सिटी भी यही है। इस देश में बोले जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज क्रोएशियन है। क्रोएशिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आबादी के मामले में पूरी दुनिया की 128वीं कंट्री है और यहाँ पर कुल 40,58,000 जनसंख्या है। इतनी कम जनसंख्या को सुनकर आप चौंक गए होंगे ना, क्योंकि हमारे देश भारत में तो इतनी कम जनसंख्या केवल एक शहर में ही मिल जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं देश के एरिया की। आपको बता दें, इस देश का एरिया 56,594 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूरी दुनिया में 124वें नंबर पर आता है। इस खूबसूरत और हाइजीनिक कंट्री का केवल 1.09% हिस्सा ही पानी से घिरा हुआ है, जिसके चलते इस देश का काफी लैंड एरिया बच जाता है। इस देश में हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी हुई नजर आती है। आपको बता दें, HDI इंडेक्स में क्रोएशिया बहुत ऊपर आता है और यहाँ पर बहुत हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये देश खूबसूरत होने के साथ साथ अमीर भी है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी का नाम क्रोएशियन कुना है और एक क्रोएशियन कुना की कीमत भारत के 11.62 रुपए के बराबर होती है। तो चौंक गए ना, इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी इतनी हाई करेंसी। जी हाँ, ऐसा ही है। ये देश वास्तव में देखने में छोटा है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। अगर क्रोएशिया देश की पहचान की बात की जाए तो हमारे देश भारत के लोग इस देश को बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बेहद कम है और इसके पॉपुलेशन कम होने के कारण ये देश पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। आपको बता दें, इस देश की असली पहचान पूरी दुनिया के सामने फीफा के फाइनल के दौरान हुई। भले ही फाइनल मैच के दौरान ये कंट्री फ्रांस से हार गई हो, लेकिन इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि फीफा के मामले में इनका रुतबा कितना बड़ा है। हमें लगता है कि आप लोगों में से भी काफी ने इस कंट्री का नाम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही सुना होगा। हम आपको क्रोएशिया के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात बताने वाले हैं, जो कि है यहाँ की ब्यूटीफुल वुमेन के बारे में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर लड़कियाँ पाई जाती हैं। क्रोएशिया की पूर्व राष्ट्रपति भी बेहद खूबसूरत थी और उनकी गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत वुमेन पॉलिटिशियन में होती थी। ये देश जितना ज्यादा खूबसूरत और वेल डेवलप्ड है, उतनी ही अजीबोगरीब यहाँ के लोगों की खाने की पसंद है। दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ के खाने पीने की बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ का खाना पीना बेहद अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी वो लोगों के मन को भा जाता है। दरअसल यहाँ के लोग भी चीन के लोगों की तरह खाने में अजीबोगरीब चीजों को पसंद करते हैं। यहाँ पर लोग मेंढक, चील चूहे और चूहे के शरीर से बनी डिस्क खाते हुए नजर आते हैं। ये तो दोस्तों वाकई में अजीबोगरीब है। वैसे हम आपको बता दें कि इस प्रकार का खाना यहाँ पर बेहद ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि इनकी डिमांड क्रोएशिया में बहुत ही ज्यादा होती है। चलो दोस्तों, अब क्रोएशिया के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश में कुछ साल पहले ही अपने आप को गुलामी के चंगुल से बाहर निकाला है। दरअसल ये देश 30 साल पहले ही आजाद होकर दुनिया के सामने आया है। क्रोएशिया 25 जून 1991 को यूगोस्लाविया से आजाद होकर दुनिया के सामने आया। हालांकि दोस्तों, इस देश ने आजादी के बाद से काफी तरक्की की है और आज ये दुनिया के बहुत ज्यादा डेवलप्ड देशों की लिस्ट में शामिल है। क्रोएशिया के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोगों को क्रोएश नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 6वीं शताब्दी से ही ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्रोएशिया की एक खास बात यह है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर पानी बेहद ज्यादा साफ है और उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर खूबसूरती की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, खूबसूरत नजारे आदि पर्यटकों को अपनी ओर आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए तो यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। क्रोएशिया की खूबसूरती का अंदाजा वैसे आप इस बात से भी लगा सकते हो कि गेम ऑफ थ्रोन्स, किंग्स लैंड, स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत झरने और बीच मिलते हैं। इन झरने और बीच की वजह से ही ये देश पूरी दुनिया में फेमस है। ये देश हर साल पर्यटकों के आने की वजह से काफी पैसे कमाता है। अब हम आपको एक दुखदाई और हैरान करने वाली बात बताने वाले हैं। दरअसल जापान और जर्मनी की तरह क्रोएशिया ने भी बहुत ही ज्यादा दुख झेले हैं, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्रोएशिया के लगभग 1,25,000 लोग युद्ध में मारे गए थे। ये आंकड़ा आपको ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी जनसंख्या को देखें तो ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उस समय तो इसकी पॉपुलेशन आज से भी कम थी और उस समय पर 1,25,000 लोगों को एक साथ मारा जाना एक बहुत ही ज्यादा विनाशक स्थिति रही होगी। लेकिन इतनी सारी मुसीबतों के बाद में भी ये देश आज इतनी मजबूती से खड़ा है।
ये वाकई में बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आप भी चॉकलेट खाने के शौकीन हैं, तो ये बात सुनकर आपको बेहद अच्छा लगेगा कि चॉकलेट के मामले में क्रोएशिया का नाम पूरी दुनिया में है। ये लोग नेचुरल चॉकलेट तो खाते ही हैं। इसके अलावा इन लोगों ने ही दुनिया को ये भी सिखाया है कि चावल से चॉकलेट कैसे बनाई जाती है। दुनिया के महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला का जन्म भी क्रोएशिया में ही हुआ था। क्रोएशिया के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट माने जाते हैं। कुछ आंकड़ों के अनुसार ये सामने आया है कि क्रोएशिया के लोग दूसरी भाषाओं को सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्रोएशिया की टोटल पॉपुलेशन के लगभग 92% लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनको कम से कम एक विदेशी भाषा तो आती ही होगी। यहाँ के लोग किसी भी दूसरे देश की भाषा को आसानी से बोल और समझ सकते हैं, तो है ना ये कमाल की बात। इससे साबित हो जाता है कि यहाँ के लोग ब्यूटी विद ब्रेन है। क्रोएशिया की एक बहुत खास बात ये है कि यहाँ की काफी सारी आबादी आपको दूसरे देशों में बसी हुई नजर आती है। यहाँ के लगभग 56 लाख लोगों ने अब तक अपने देश को छोड़ दिया है और वो दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं। दोस्तों, इतनी ज्यादा आबादी तो इस देश में वर्तमान में मौजूद भी नहीं है जितने ज्यादा लोग क्रोएशिया को छोड़ चुके हैं। दोस्तों, अगर क्रोएशिया की जीडीपी की बात की जाए तो क्रोएशिया दुनिया की 56वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना छोटा सा देश और इतनी बड़ी जीडीपी, ये सच में हैरान करने वाली बात है। वैसे क्रोएशिया की जीडीपी का ये आंकड़ा यूरोप की रिच कंट्री के सामने तो बहुत ही फीका है, लेकिन भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने यहाँ की पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है। अगर यहाँ के जीडीपी सेक्टर की बात करें तो यहाँ की 70% जीडीपी सर्विस सेक्टर से और 27% इंडस्ट्रियल एरिया से आती है। यहाँ की कुल 3% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। अगर यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अभी 8% जनसंख्या अनएम्प्लॉयड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ ये देश काफी समृद्ध है, अब यहाँ पर गरीबी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर इस देश की पॉवर्टी की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 24% जनसंख्या पॉवर्टी में है। यहाँ पर गरीबी की समस्या जरूर थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये देश बहुत महंगा है जिससे लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर क्रोएशिया के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली माने जाते हैं और दोस्तों का हाथ बढ़ाने में सबसे आगे हैं, और ये अनजान लोगों के साथ भी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।